रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजीन। नाजीन बेशक दुनिया जितनी भी तरक्की कर ले, आईटी का दौर है, कंप्यूटर आ जाए, मोबाइल आ जाए, हर चीज आ जाए, बच्चे इसके ऊपर बैठ के खेले, गेमें करे, जो मर्जी करे, लेकिन जो पुराना दौर था उसके एक अपना मजा था। जैसे रीछ और बंदर का तमाशा, बकरी और बंदर का तमाशा, या इसी तरह झूले या मेले, इसी तरह के बहुत से जो बचपन में खेल होते थे वो आज भी अगर आपने देखे तो सब पुरानी चीजें याद आ जाती है, जो आज के जदीद दौर से ज्यादा बेहतर है। ये देखिए, इसके अंदर मैं एक शख्स को दिखा रहा हूँ, अपना बंदर लेके गली गली घूम रहा है, इसकी बांसी में इतना दर्द है, जो वो लोगों से कह रहा है कि देखो कि मैं, हमारे साथ भी पेड़ लगा हुआ है, हम भी कमाने के लिए निकले हैं, इतने महंगाई के दौर में, इतनी परेशानी के दौर में भी वो बेचारे अपने जानवरों को लेकर गली गली घूमते हैं कि अपनी रोजी कमाए, और वो हुकूमत से भी वो मुतालबा करते हैं, आवाम से भी कि हमारा भी ख्याल रखे। ये एक कल्चर है जिसको हमेशा कायम रहना चाहिए, बेशक कोई भी दौर आ जाए, लेकिन बच्चे एक मिनट के लिए रुक के बंदर का तमाशा या रीछ का तमाशा उसी तरह देखते हैं जैसे 100 साल पहले से लोग देखते आ रहे थे, और ये एक बहुत अच्छा कल्चर है। कहीं झूले लगे, बच्चे झूले झूले, इस मूवी के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आदमी के पासी में कितना दर्द है, और उसके बाद उसने अपने बंदर से घास करके लोगों से पैसे लिए, लेकिन अपना पेट कमा, अपना पेट पा रहा है, साथ अपने जानवर का भी, और जानवर से भी मोहब्बत करनी चाहिए। देखिए कितने जानवर हैं, अगर आप जानवरों से मोहब्बत करेंगे वो भी आपसे मोहब्बत करेंगे। अब जैसे चिड़ियाघर के अंदर शेरों के साथ जो कुछ हुआ, अब हाईकोर्ट ने उसका, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उसका एक्शन दिया है, अल्लाह करे उसके वो बात है ताकि आइंदा के बाद जानवरों के साथ इस तरह की ज्यादती ना हो और जानवरों को भूखा भी ना रखे। मैं आप लोगों से कहता हूँ कि इस किस्म के लोगों की जरूर मदद किया करें, क्योंकि ये गली गली घूम के अपनी पेट पा रहे हैं, अपनी कमाई कर, अच्छी बात है, भीख मांगने से बेहतर अपनी कमाई कर रहे हैं, ये हमारा सकाफत है, इसको कायम रहना चाहिए। और दूसरी बात ये कि हदीस है आपसे वसल्लम की कि बेहतरीन कमाई वो है जो अपने हाथ से कमाई जाए, तो ये अपने हाथ से कमा रहे हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसकी बांसी का दर, और ये तमाशा देखे, आपको उम्मीद है मेरा ये चीज़ पसंद आएगी, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बच्चों को भी दिखाइएगा, और बच्चों से कहने से सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदा।